8 मई 2021 से जब आप कोविड वैक्सीन के लिए ऑनलाइन रजिस्टर करवाएंगे तो आपको मिलेगा 4-डिजिट सिक्योरिटी कोड। ये एक नया सिक्योरिटी फीचर ऐड किया गया है, लेकिन इसकी क्यों जरूरत पड़ गई, इससे होगा क्या, इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है अरुण सिंह। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का कहना है कि बहुत बार ऐसा देखा गया, कई सिटीजन्स ने अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो शेड्यूल करवाई, लेकिन वो उस तारीख को वैक्सीनेशन के लिए सेंटर में नहीं गए। ऐसे में कुछ वैक्सीनेटर से डेटा एंट्री एरर हुआ और जितने भी उनके पास अपॉइंटमेंट्स थी उन सबको मैसेज चला गया कि वो वैक्सीनेट हो गए हैं। तो ऐसे में कई सिटीजन जो वैक्सीनेशन के लिए गए भी नहीं अपनी स्केड्यूल्ड अपॉइंटमेंट वाले दिन, उनको भी मैसेज आया कि उनकी वैक्सीनेशन हो गई है। इसको अवॉइड करने के लिए ये एक नया सिक्योरिटी फीचर ऐड किया गया है। जैसे ही आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे और जो SMS आता है रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन का, उसी में 4-डिजिट का सिक्योरिटी कोड होगा। अब जब आप सेंटर पर जाएंगे वैक्सीनेशन से पहले, इस कोड को आपको वैक्सीनेटर को बताना होगा। इस कोड के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं होगी, आप वो कोड बताएंगे, वो इस कोड को फिल करेंगे, उसी के बाद ही आपकी ऑथेंटिकेशन होगी और उसी के बाद ही आपको आपका वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी मिल पाएगा। इस महामारी में COVID-19 से लड़ने का अगर कोई एक शस्त्र हमारे पास है तो वो है वैक्सीन। गो गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। अरुण सिंह, NDTV।